छात्र एग्जाम देते हुए अगर पकड़े जाते हैं और उनको आप 3 साल, 1 साल से लेकर 3 साल तक सजा देते हैं, तो उस बच्चे का तो चरित्र खत्म हो जाएगा जिसने शुरुआत किया था। कल तो मरने मानी बात सुदीप जी ने किया, आज विलियम सिंह जी मरंडी जी ने किया, तो हमारे विधायक यदि बांट आने के तो गलत क्या है इसमें? आप एक बार एफ आई आर दर्ज हो जाएगा उसके ऊपर में, एक बार सजा हो जाएगा, तो फिर दोबारा उसको तो वो आप देखो चरित्र प्रमाण पत्र उसका नहीं बनेगा। और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन इसी बीच आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया है जिसमें कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सरकार ने कानून लाया है और इस कानून का नाम है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023, जिसका विरोध बीजेपी कर रही है और कह रही है इसे काला कानून। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए बीजेपी विधायक रणधीर सिंह है। तो जानते हैं कि झारखंड विधानसभा का आज 5वां दिन हंगामे की ही भेंट चढ़ गया, लेकिन इसी हंगामे के बीच एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया है। इस बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं और इस बिल को काला कानून बता रहे हैं। बिल्कुल, ये इस राज्य के छात्रों के लिए काला कानून है। छात्र एग्जाम देते हुए अगर पकड़े जाते हैं और उनको आप 3 साल, 1 साल से लेकर 3 साल तक सजा देते हैं, तो उस बच्चे का तो चरित्र खत्म हो जाएगा। अब कोई बच्चा को अगर आप 3 साल का सजा दे दोगे, कैसा कानून आप लाओगे, वो बच्चा को तो आगे कोई भी एग्जाम में भाग नहीं ले पाएगा, वो किसी नौकरी में भाग नहीं ले पाएगा। वो सजा तो 1 साल कर दिया गया ना? नहीं, 3 साल किया ना, अधिकतम 3 साल, मिनिमम 1 साल, पहले अधिकतम 7 साल रखा था और न्यूनतम 3 साल। जब हम लोगों ने विरोध किया तब उसको 1 और 3 साल किया, तो ये भी गलत है ना। 1 साल 3 साल भी गलत है। ये बोल रहे ऐसे 1 साल में तो फिर बेल ले लेंगे आराम से। बेल, आप एक बार एफ आई आर दर्ज हो जाएगा उसके ऊपर में, एक बार सजा हो जाएगा, तो फिर दोबारा उसको तो वो आप देखो चरित्र प्रमाण पत्र उसका नहीं बनेगा। जब चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो बड़ी नौकरियों में भाग नहीं ले पाएगा, वो करेक्टर उसका करेक्टर पर दाग ले जाएगा छात्र का ना। तो ये तो काला कानून है ना, इसलिए हम लोगों ने काला कानून कहा इसको। और हम लोग महामहिम से भी मांग करेंगे कि इसको वो वापस लौटावे इस बिल को। ये बिल महामहिम इसमें साइन नहीं करे, ये हम लोग मांग करेंगे। बिल में और क्या कुछ नुकसान देख पा रहे हैं क्या इसमें? जो एक तरह की टूटियाँ था इसमें, अनेक टूटियाँ इसमें था, इसीलिए आपने देखा होगा आधे से दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने इस पर संशोधन प्रस्ताव लाया, लेकिन सरकार ने सारी चीज़ों को अमान्य कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर पर दबाव दबा कर लगाकर इन्होंने पास कराने का काम किया। पक्ष कह रही है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए इस तरीके का बिल लाया गया है। अरे जब माननीय मुख्यमंत्री जी दबाव में काम करेंगे, अधिकारियों के दबाव में काम करेंगे, तो सत्तापक्ष के विधायक क्या बोलेंगे बेचारे? सामने तो कुछ बोल नहीं सकते हूँ, वो तो बोलेंगे ही ना। अच्छा है, लेकिन दबी जुबान से तो लोग बोल रहे हैं गलत हुआ, गलत बिल पास हुआ। अच्छा सर, आज जो सदन में हुआ, जो आचरण आपने देखा कि आपके ही विधायक जो है किस तरीके से बेल में जाकर हंगामा करते हैं और फिर धमकी देते हैं। कल सुधीर सोनू जी ने जिस तरह से ढोलू जी के साथ व्यवहार किया, क्या वो नैतिकता के साथ उन्होंने व्यवहार किया था क्या? मरने मारने वाली तो कल किसने शुरुआत किया था? कल तो मरने मारने बात सुदीप जी ने किया, आज विलियम सिंह जी मरंडी जी ने किया, तो हमारे विधायक यदि बांट आने के तो गलत क्या है इसमें? आप समर्थन करते हैं कि सदन को अखाड़ा बनाया जाए? जैसे आप उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। एक सवाल और लेंगे सर, एक सवाल तो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है मॉनसून सत्र, तो आप क्या कहेंगे? आप लोग सदन को चलने देंगे? एक दिन और बच गया है। सदन तो हम लोग चलने ही दे रहे हैं। हम लोग तो जो मुद्दे हैं, नियोजन का मांग है, सुखाड़ की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है इस राज्य में। सुखाड़ के पास सरकार घोषित नहीं कर रही है, जो 60-40 जो नियोजन नीति लाया उसको रद्द करने की हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसलिए सदन में बाधित हो रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे बीजेपी विधायक रणधीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने जो रवैया अपनाया है वो सही है, क्योंकि जैसे को तैसा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे देश टीवी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।